हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आया है एंड थोड़ा सा बिजी थी, आई एम सॉरी। लेकिन आज का वीडियो बहुत यूजफुल है क्योंकि नॉर्मली मैं रेमेडीज शेयर करती हूँ बट बहुत से लोग प्रोडक्ट्स पूछते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बताने वाली हूँ, अमेजिंग प्रोडक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फेस वॉश। इसके बारे में पहले भी बहुत लोगों को बता चुकी हूँ, जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी है उनके लिए यहाँ पर दोबारा से। फेस वॉश ढूंढ रहे हो जो स्किन को वाइटन ब्राइटन भी करे और स्पॉट्स को फेड करे और आपका रंग एकदम से मतलब गोरा गोरा सा हो जाए। रेगुलर यूज़ करने से होगा, एक या दो बार से नहीं होगा। लेकिन फेस वॉश अगर आप ये यूज़ करते हो ना, तो आप इसको कभी स्किप या मतलब छोड़ नहीं पाओगे। ये इतना अच्छा लगेगा आपको, स्किन एकदम से फेयर सी और एकदम मतलब ब्राइट सी हो जाती है फेस को वॉश करने के बाद। साइड इफेक्ट कोई नहीं है, एवरी स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरी स्किन सेंसिटिव है और मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। स्किन जैसे ही मैं फेस को वॉश करती हूँ, मतलब दिन में एक बार करती हूँ, आप दो बार तीन बार जब कर सकते हो, और जब मैं फेस को वॉश करती हूँ एकदम फेस क्लीन एंड ब्राइट सा हो जाता। ये 150 ग्राम की ट्यूब करीब आपको 250 या मतलब 250 के करीब मिलेगी और काफ़ी लंबे टाइम तक ये चल जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा यूज़ करने में, इसलिए आपको रिकमेंड कर रही हूँ, आप चाहे इसे यूज़ कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो जी नेक्स्ट प्रोडक्ट है, वो भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, ग्लिसरीन। बहुत ही सस्ती आ जाती है ये, 20 रुपये की एक की जो बोतल आप देख रहे हो, दो ये 40 रुपीज़ की हैं। एंड इससे पहले भी मतलब जो मेरी ख़त्म हो गई थी तो मैंने ये मंगाया है। स्किन पर अगर शाइन नहीं है तो कोई भी आप एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हो या अपना मॉइस्चराइज़र या कोई क्रीम लगाते हो फेस पर, तो उसमें एक से दो ड्रॉप ग्लिसरीन मिक्स करके लगा लीजिए एंड आप मतलब हैरान रह जाओगे, इतना स्किन पर ग्लो आएगा और स्किन पर शाइन आएगी। तो मैं क्या करती हूँ, अपनी कोल्ड क्रीम के अंदर ही मैं ग्लिसरीन को मिक्स करके रखती हूँ क्योंकि मतलब बहुत लोगों को, आपको वीडियो में देखा होगा तो आप लोगों को पता ही होगा, तो स्किन एकदम ब्राइट हो जाती है और स्किन पर एकदम ग्लो सा आ जाता है। ऐसा नहीं, जो डलनेस है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ही सस्ती चीज़ है, स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करेगी, ड्राइनेस तो कहीं मतलब मिलेगी ही नहीं आपको और स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को बाल लंबे चाहिए, घने चाहिए, बालों की प्रॉब्लम्स को दूर करना है, डैंड्रफ को दूर करना है, हेयर फॉल को दूर करना है, मतलब आपको बालों की कोई भी परेशानी है तो आप ये यूज़ कीजिए। जड़ों से मजबूत बना देता है, देखिए एक या दो दिन से कुछ नहीं होगा, आपको रेगुलर कुछ टाइम तक आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। एंड बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता, करीब मतलब अंडर 200 आपको मिल जाएगी ये, और ऑनलाइन लीजिए। मैंने nykaa.com से लिया था, मतलब करीब 3-4 महीने से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और अभी तक एक बोतल भी ख़त्म नहीं हुई है। यूज़ करने का तरीका, ऑयल में मिक्स करके लगा सकते हो, एक चम्मच ऑयल के अंदर 4-5 ड्रॉप आप इस एसेंशियल ऑयल की ऐड करोगे, या शैम्पू जब भी करते हो अपने शैम्पू के अंदर भी 4-5 ड्रॉप आप एसेंशियल ऑयल की, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की ऐड कीजिए। किसी और ब्रांड का भी ले सकते हो, आपको मतलब कुछ टाइम बाद आपको खुद ही नोटिस होने लगेगा कि आपके बाल बहुत ज़्यादा मतलब सिल्की स्मूथ होने लगेंगे एंड लॉन्ग भी होने लगेंगे। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, जिन को ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, फ्रीजीनेस की प्रॉब्लम है, हेयर को स्टाइल करते हो मतलब कुछ भी ट्रीटमेंट कराया है और मतलब कलरिंग स्ट्रेटनिंग कुछ भी, तो आप ये लीव इन कंडीशनर यूज़ कीजिए, पैंटीन का ओपन हेयर मिरेकल। आपको एक बार हेयर को वॉश करने के बाद इसको यूज़ करना है एंड सेकेंड बार जब हेयर आपके मतलब एक बार गीले वालों में यूज़ करना है और फिर जब बाल थोड़े से सूख जाएंगे, थोड़े से ड्राई हो जाएंगे 90%, उस वक्त एक बार आपको इसको यूज़ करना है। बहुत ही अच्छा रहता है, स्कैल्प पर बिल्कुल नहीं लगाना, सिर्फ बालों की लेंथ में लगाना एंड मतलब हेयर का जो फ्रीज है एंड जो ड्राइनेस है वो काफ़ी हद तक इससे कंट्रोल हो जाती है। और 180 ml का है, करीब 190-200 तक का आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है लेकिन कई महीने चल जाता है, बहुत जल्दी से ख़त्म नहीं होता, तो इसको ट्राई करके देखिए। अच्छा जी, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है वैदिक लाइन का गोल्ड फेशियल। इस प्रोडक्ट ने तो मुझे सच्ची में ही बहुत ज़्यादा मतलब हैरान कर दिया था क्योंकि ये बहुत ही सस्ता फेशियल मिला था मुझे और मैंने स्मीटन से जो फ्री ट्रायल प्रोडक्ट्स आते हैं उसी में मैंने इसको मंगाया था। और अगर आप वैसे परचेज करोगे तो शायद 200 रुपये का आपको ये मिलेगा, तो सस्ता है काफ़ी गोल्ड फेशियल के हिसाब से। और मुझे लगा क्या ही इसका रिजल्ट आएगा, तो मैंने ऐसे ही कुछ मिनटों में ही फटफट ये फेशियल ऐसे ही ट्राई किया था और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया इसमें किसी भी स्टेप में। बट जो थोड़ी सी मतलब थोड़े टाइम ही यूज़ करने में, कुछ मिनट यूज़ करने में ही इसका जो रिज़ल्ट आ गया था, मैं सच में अमेज रह गई थी। अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से करती तो मुझे लगा कि मैंने क्यों नहीं इसको तरीके से किया, और ज़्यादा ग्लो फेस पर आ जाता, क्योंकि कुछ मिनट में ही अगर ये मेरे फेस पर इतना ग्लो आ गया है बिल्कुल गोल्ड की तरह ही, तो अच्छी तरह करोगे तो बहुत अच्छा। तो ये जो पैक है इसमें दो लोग
फेशियल कर सकते हैं, इसमें इतने अमाउंट में आता है। 6 स्टेप इसके अंदर होते हैं और फेशियल इसमें आप मतलब 2 आराम से कर लेंगे, इतना अमाउंट में ये आ जाता है। अब 6 स्टेप फेशियल के क्या होते हैं वो आप सभी जानते होंगे। बहुत अच्छा फेशियल है, जो मैंने जो बचा हुआ था वो अपने हस्बैंड को दिया था, उन्होंने ईद के टाइम इससे फेशियल किया था और बहुत ही ग्लो उनके फेस पर आ गया था, बहुत ज़्यादा वो खुश थे। पहले ट्राई नहीं कर रहे थे लेकिन मैंने जब उनको फोर्स किया, नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो उन्होंने फिर इसको यूज़ किया और बहुत ही ज़्यादा वो उसके बाद इसका जो ग्लो आया उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश थे। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है, अच्छा शैम्पू ढूंढ रहे हो बालों में शाइन के लिए, ये जो है शैम्पू डव का नाम सुनते ही भाई ब्रांडेड शैम्पू है ये, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हम ब्रांडेड यूज़ करते हैं लेकिन रिजल्ट ज़ीरो ही आता है, और डव के भी और शैम्पू हैं जो मैंने यूज़ किए हैं, रिजल्ट ज़ीरो ही रहा उनका, बट ये शैम्पू मुझे बहुत अच्छा लगा। हेयर में एक तरह से शाइन आ जाती है, बालों में अगर रफनेस है ना, मतलब रफनेस तो ड्राइनेस तो फ्रिजीनेस तो ये ख़त्म नहीं करता, एंड इसके ऊपर लिखा है हेयर फॉल, तो हेयर फॉल भी कंट्रोल नहीं करता, बट बाल अगर आपके शाइनी नहीं है ना तो एक तरह से बालों में शाइन आ जाती है, अगर उनको स्टाइल करोगे स्ट्रेटन करोगे तो बहुत ही अच्छे बाल आपके हो जाते हैं। तो शाइन की वजह से मैं इस शैम्पू को आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, अगर आपके हेयर में शाइन नहीं है, सॉफ्ट फील होते हैं, शाइनी फील होते हैं, तो आप इस शैम्पू को भी ट्राई कर सकते हो अगर अच्छा कोई शैम्पू आप ढूंढ रहे हो तो। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये मेरा बेस्ट मतलब फेवरेट प्रोडक्ट है इस टाइम का, क्योंकि अभी गर्मियां हैं चाहे सर्दियां, वैसे तो सनब्लॉक जो है, सनस्क्रीन है जो है, हमें सर्दी गर्मी हमेशा ही लगाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी जो स्किन है ना वो जो सबसे ज़्यादा डैमेज जो होती है वो होती है धूप की वजह से, इसी वजह से जल्दी से हमारी स्किन पर झुर्रियाँ आने लगती है, निशान हो जाते हैं, कालापन आ जाता है, जो कि ठीक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप सनस्क्रीन यूज़ करते हो जो प्रॉब्लम हो चुकी है वो भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी, अगर नहीं हुई है तो स्किन हेल्दी ही रहेगी, एंड ये मुझे बेस्ट सनस्क्रीन लगा, SPF 50 है इसके अंदर और लैक्मे सन एक्सपर्ट का 97% ये आपकी स्किन को डैमेज से बचा देता है। हर स्किन टाइप वाला इसको यूज़ कर सकता है, मेरी स्किन सेंसिटिव है फिर से बोल रही हूँ, मेरे लिए परफेक्ट रहा, मुझे कोई साइड इफेक्ट इससे नहीं रहा, एंड मैं इसको डेली यूज़ करती हूँ और यूज़ करने के बाद जो स्किन पर ग्लो आता है वो तो अलग ही है, एंड ये मेरी स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है, जो प्रॉब्लम्स है वो भी ठीक होने लगी हैं, तो इसको आप ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। अच्छा जी, तो इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये पैंटीन प्रोवी का कंडीशनर, डैमेज केयर के लिए है ये, अगर आपके हेयर डैमेज एंड ड्राई फ्रीजी है तो बहुत ही अच्छा कंडीशनर है, और इसको यूज़ करने के बाद हेयर बिल्कुल सिल्की स्मूथ हो जाते हैं। अच्छा, मैं जितने भी प्रोडक्ट आपको दिखा रही हूँ कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, किसी भी ब्रांड ने मुझे नहीं भेजा, किसी ने भी मुझे पैसे नहीं दिए कि मैं ऐसा बोलूँ, मैंने इन चीज़ों को खुद से यूज़ किया है एंड अभी भी यूज़ कर रही हूँ, उसका रिजल्ट जो मेरे लिए आया और जो प्रोडक्ट मेरे लिए बेस्ट रहे वही मैं आपको बता रही हूँ। 200 ml की ट्यूब 190 rupees की आई थी एंड चल तो काफ़ी महीने चलता है, मैंने बहुत वीडियोस में आपको बताया है कि जब भी आप शैम्पू करते हो बिना कंडीशनर आपको हेयर को नहीं छोड़ना, क्योंकि ये हमारे हेयर का मॉइस्चराइज़र होता है, जब हम अपने फेस को क्लीन करते हैं मॉइस्चराइज़ करते हैं वैसे हेयर को भी करना ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है वो है ये बोरोप्लस की एंटीसेप्टिक क्रीम, ये बहुत पुराने टाइम से है, आप लोगों ने भी यूज़ हमेशा की होगी, और हम छोटे छोटे थे तभी भी हम यूज़ करते थे, मेरे पापा बोरोलीन एंड बोरो प्लस ये 2 ट्यूब्स लेकर आते थे, तो इसको मैं आज तक यूज़ करती हूँ, एंड ये ऑल इन वन क्रीम है, इसको आप फेस पर बॉडी पर अपने हाथ पैरों पर कहीं भी यूज़ कर सकते हो, जैसे ड्राइनेस है आपके हाथ पैरों पर ड्राइनेस है, लिप्स पर है, फेस पर है, एड़ियों पर है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये एक थिक मॉइस्चराइज़र है, फेस पर इसको यूज़ नहीं करती हूँ लेकिन लिप्स के लिए, अपने हाथों के लिए, अपने पैरों के लिए, एड़ियों के लिए मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और ये हमेशा मतलब एक ऐसा हो गया है कि ये ट्यूब ना मेरे पास ख़त्म ही नहीं हो सकती, ख़त्म होने से पहले ही मैं इसको मंगा लेती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा एक चीज़ क्रीम है, प्लीज़ आप भी इसको हमेशा अपने पास रखें, यूज़फुल बहुत है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है रेक्सोना का ये डियो स्टिक है, और मतलब जिन लोगों को भी पसीने की बदबू की प्रॉब्लम है ना तो आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना, ये मतलब न्यू प्रोडक्ट है और 48 आवर्स ये दावा करता है कि आपको ये पसीने की बदबू से बचा कर रखेगा, एंड मैंने जैसे इसको यूज़ किया है
मतलब सच में अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा इसकी स्मेल नहीं आती, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी फ्रेगरेंस या बहुत तेज़ फ्रेगरेंस है ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेगरेंस का कोई ख़ास पता नहीं चलता, बट जो इसका रिजल्ट है ना, जो जो कंपनी ने दावा किया है कि ये पसीने की बदबू 48 आवर्स तक नहीं आने देता, मैंने सच में ट्रू है, बहुत ही अच्छा है। अगर पसीने की बदबू से आप ही आपके आसपास कोई भी परेशान है ना, तो प्लीज़ ये ट्राई कीजिए, बेस्ट 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 लगा मुझे एंड बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी मतलब स्मेल के लिए, फ्रेगरेंस के लिए ही है। ये जो परफ्यूम है, जब से मैंने ट्राई किया, फर्स्ट टाइम जब मैंने मंगाया था तो मैंने ऐसे ही ट्रायल के लिए मंगाया था कि इसको यूज़ करके देखती हूँ, बट उसके बाद मैं इसको 3 से 4 बार मंगा चुकी हूँ। ये रैमसन्स का यू आर स्वीट करके ब्लू वाला है, बहुत अच्छी स्मेल है, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और हाँ, इसके साथ ही एक पिंक वाला भी आता है, वो मैंने ट्राई नहीं किया, तो अगर आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो ये सच्ची में बहुत ही अच्छा परफ्यूम है, आप प्लीज़ अगर अच्छी फ्रेगरेंस वाला परफ्यूम कोई आप ढूंढ रहे हो तो इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैंने करीब आपको 11 या 12 प्रोडक्ट बताए हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इन सभी का है जिसको मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। एंड मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको कि कोई भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट इसमें से नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसके अलावा भी अगर प्रोडक्ट और भी जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।